हेलो दोस्तों, आप लोग तो देखते ही होंगे कि इन्फिनिक्स ब्रांड जो है, जो भी फ़ोन लॉन्च करता है, मतलब उसकी प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छा स्पेसिफिकेशन आपको देता है ना। इससे पहले भी इन्फिनिक्स ने जो भी फ़ोन लॉन्च किया है, इन्फिनिक्स हॉट 10, इन्फिनिक्स नोट 10, बहुत सारा फ़ोन लॉन्च किया है, आप लोग देखते होंगे कि उनकी प्राइस के हिसाब से आपको स्पेसिफिकेशन बहुत ही अच्छा मिलता है ना दोस्तों। अदर ब्रांड उसकी प्राइस के हिसाब से उतना अच्छा स्पेसिफिकेशन आपको नहीं देता, पर इन्फिनिक्स आपको देता है। बस इन्फिनिक्स उतना पॉपुलर ब्रांड नहीं है, लोग ज़्यादा खरीदते नहीं है, ठीक है। एक पर इन्फिनिक्स मतलब प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छा स्पेसिफिकेशन देता है, जो अदर ब्रांड्स नहीं देता है। उनका फोकस रहता है एक बिग डिस्प्ले फ़ोन, जो अदर ब्रांड नहीं देता है, मतलब बहुत ही बिग डिस्प्ले फ़ोन आपको वो प्रोवाइड करता है इन्फिनिक्स, ठीक है। और आपको उनका फोकस रहता है बैटरी के ऊपर भी, बैटरी, प्रोसेसर, इन तीनों चीज़ के ऊपर उनका ज़्यादा फोकस रहता है। मतलब बहुत ही अच्छा आपको प्रोसेसर भी अच्छा मिलता है प्राइस के हिसाब से, और आपको डिस्प्ले भी बहुत ही अच्छा मिल जाता है ना। प्राइस के हिसाब से इन्फिनिक्स बहुत ही अच्छा स्पेसिफिकेशन आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो हाल ही में इन्फिनिक्स और एक फ़ोन लॉन्च कर दिया है, जो फ़ोन मतलब आज तक के जो भी इन्फिनिक्स फ़ोन लॉन्च किया है उनमें सबसे बेस्ट है दोस्तों। जी दोस्तों, आज मैं उसी स्मार्टफोन के बारे में बताने वाला हूँ। आज तक इन्फिनिक्स ने जो भी स्मार्टफोन लॉन्च किया है उनमें से ये इन्फिनिक्स फ़ोन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, ठीक है। जिसमें आपको डिस्प्ले बहुत ही अच्छा मिलेगा, बिग डिस्प्ले फ़ोन, आपको कैमरा भी अच्छा मिलेगा, आपको गेमिंग प्रोसेसर भी अब मिलेगा, और मल्टीमीडिया जो लोग ज़्यादातर वीडियो देखते हैं उनको भी ये फ़ोन बहुत ही पसंद आएगा। मतलब ओवरऑल एक अच्छा स्मार्टफोन है, एक लॉन्च किया इन्फिनिक्स ने कल ही, ठीक है। तो कौन सा फ़ोन है जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा जेन्युइन कंटेंट मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे बात करने वाला हूँ इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो। जी दोस्तों, मैं इसी फ़ोन के बारे में बात करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। ये फ़ोन मतलब आज तक के जो भी फ़ोन इन्फिनिक्स लॉन्च किया है उनमें से सबसे बेस्ट है। क्यों ये बेस्ट है, सब कुछ डिस्कस करने वाला आज की इस वीडियो में। क्या क्या स्पेसिफिकेशन आपको मिलता है, क्या क्या मेन हाईलाइट है, क्यों मैं बोल रहा हूँ ये बेस्ट है, सब कुछ आपको भी ये फ़ोन पसंद आएगा। आई एम श्योर कि आप लोग भी पसंद आएगा ये फ़ोन, जो भी स्पेसिफिकेशन आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, इस फ़ोन की अगर डिस्प्ले से शुरुआत करते हैं, यह पर आपको मिल जाता है एक 6.9 इंच का एक फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले, और आपको यहाँ पर 90Hz का एक रिफ्रेश रेट मिलता है। अगर डिस्प्ले देखा जाए, डिस्प्ले आपको बहुत ही अच्छा मिल जाता है, और 90Hz का आपको रिफ्रेश रेट मिलता है। बिग डिस्प्ले फ़ोन, मैं पहले बताया इन्फिनिक्स जो भी फ़ोन लॉन्च करता है बहुत ही बिग डिस्प्ले फ़ोन मिलता है, 6.9 इंच का दोस्तों डिस्प्ले मिलता है, तो लगभग 7 इंच का करीब है। तो समझ सकते हो इस प्राइस रेंज में, बताऊँगा प्राइस कितना है, ठीक है। इस प्राइस रेंज में ज़्यादातर अदर ब्रांड्स इतना मतलब बिग डिस्प्ले फ़ोन नहीं देता, पर आपको इन्फिनिक्स दे रहा है, बहुत ही अच्छा स्पेसिफिकेशन आपको मिल रहा है 6.9 इंच का। अगर आप वीडियो देखते हो फ़ोन में, ठीक है, तो उनको अब उनको लोगों के लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है ये फ़ोन, ठीक है। गेमिंग भी आप इसमें बहुत ही अच्छे से खेल सकते हो, और आपको यहाँ पर मिल रहा है 180Hz टच सैम्पलिंग रेट, मतलब आप फ़ोन को टच करोगे, फ़ोन को चलाओगे, बहुत ही स्मूथ डिस्प्ले, 90Hz का रिफ्रेश रेट भी आपको मिल जाता है। ओवरऑल बहुत ही डिस्प्ले की वाइज पे भी आपको यह बात बहुत ही अच्छा मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों स्पेसिफिकेशन, तो यह आपका प्रोसेसर मिल जाता है मीडियाटेक हेलियो G95 प्रोसेसर, एक गेमिंग प्रोसेसर है दोस्तों, और आपको यहाँ पर एक ही वेरिएंट मिलता है वो 8GB और 256GB। इसीलिए मैं दोस्तों बात बोल रहा हूँ ये फ़ोन आज तक के लिए बेस्ट फ़ोन है। इतना बताऊँगा कितना प्राइस है, मैंने प्राइस रेंज के हिसाब से ही मतलब इतना अच्छा एक ही वेरिएंट मिलता है, पर बहुत ही अच्छा मिल जाता है, 8GB रैम और 256GB स्टोरेज, बहुत ही बेहतर चीज़ है। और दोस्तों बैटरी की बात करें तो यह आपको मिल जाता है एक 5000 mAh की एक लंबी बैटरी और 33W का फास्ट चार्जर। और बैटरी वाइज देखा जाए बैटरी भी आपको अच्छा मिल जाता है, एक दिन से ऊपर चला जाएगा, 5000 mAh बैटरी और 33W का चार्जर, मतलब बहुत ही कम समय में फ़ोन को फुल चार्ज भी कर देगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेंसर की, तो यह आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, और फेस अनलॉक का भी सपोर्ट आपको मिल जाता है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कैमरा की, तो यह आपको मिल जाता है 64MP का मेन कैमरा प्लस 8 प्लस 2 प्लस 2, चार कैमरा आपको पीछे मिल जाता है, और सामने फ्रंट में आपको मिल जाता है एक 16MP का एक सेल्फी कैमरा, ठीक है। पर कैमरा वाइज देखा जाए कैमरा भी बहुत अच्छा आपको मिल जाता है प्राइस के हिसाब से। आप दोस्तों बात करते हैं इस फोन की प्राइस कितना है, इसका प्राइस है 16GB मतलब 17000। दोस्तों आप लोग तो बहुत सारे ब्रांड देखते ही होंगे, पर 17000 इतने मतलब बजट में इतना आपको रैम और स्टोरेज आपको नहीं मिलता है दोस्तों, एकदम 8GB 256GB, इतना स्टोरेज ज़्यादातर अदर ब्रांड्स नहीं देता, पर ये मुझे इस फ़ोन की बहुत ही बेहतर चीज़ लगा, इतना ज़्यादा स्टोरेज आपको मिल रहा है। तो
इसीलिए मैं इस फ़ोन को बहुत ही बेहतर बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए फ़ोन बहुत ही बेहतर है, मुझे तो ये फ़ोन बहुत ही पसंद आया। आपको ये फ़ोन कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताना। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, तो अगर आपको थोड़ा सा वीडियो पसंद है वीडियो को एक लाइक करना, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना, और अगर आप चैनल पे नए हो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी डाउट है दोस्तों कमेंट में जरूर बताना, और जो दोनों वीडियो आ रहा है दोस्तों इस दोनों वीडियो को भी प्लीज़ वॉच करना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी और एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो।